हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन में हमें ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ दिया हुआ है, डन। और कुछ मार्क्ड एंगल हैं, जैसे ये वाई एंगल दिख रहा है सबको, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम, पिंक ले लेते हैं, और ये एक्स नजर आ रहा है। तो हमें वाई और एक्स का वैल्यू नहीं निकालना, वाई और एक्स का वैल्यू निकाल के हमें निकालना क्या है, वाई प्लस एक्स रेशियो वाई माइनस एक्स। हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, वाई प्लस एक्स रेशियो y माइनस एक्स। माइनस एक्स सबसे पहले देखो यार, ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ये 50 प्लस y क्या होगा, 50 प्लस y रीजन 180 सर्फ 180 बताओ, 180 180 वो बहुत को इंटीरियर एंगल्स एंगल्स ही बढ़िया, को इंटीरियर एंगल्स। तो y क्या आ गया, 130 y आ गया 130 डिग्री। यहां तक आ गया बेटा, y की वैल्यू आई है अभी तो। अब एक्स की अब मेरे को ये बताओ, ये जो 110 डिग्री एंगल है, क्या ये 30 प्लस x के इक्वल होगा, क्यों होगा, 110 डिग्री 30 प्लस x के इक्वल क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर यार। ये z देखो ना, सब बच्चे z दिख रहा है आपको, उल्टा z, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई, शाबाश बताओ। अरे तो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, बहुत बच्चे ये समझते हैं कि हमारा आंसर आ चुका है, x की 80 y की 130, जबकि पूछा क्या था, पूछा ये था y प्लस एक्स 130 प्लस 80, 130 प्लस 80 210 रेशो y माइनस एक्स, रेशियो 50 130 माइनस 80 क्या होता है, 50, 21 रेशो 5 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस।